होपफुली आप लोगों को लास्ट क्लास जो भी बताया, लास्ट रिकॉर्डिंग का, वो समझ आया होगा। तो जो कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए, वेरिएबल्स का, फंक्शन का और बटन के एक्शन का, होपफुली वो आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम, आपने ये भी क्वेश्चन किया था कि अब स्क्रीन में हमारा क्वेश्चंस रहेगा और ऑप्शंस रहेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज कैसे होगा? ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम स्क्रीन पे अलग क्वेश्चन कैसे अपीयर होगा? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को सेम बटन क्लिक का जो बताया था, बटन एक्शन, वो हमको यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें वेरिएबल्स भी आपके लगेंगे, और जो लेबल रहेगा क्वेश्चन का और जो ऑप्शंस रहेंगे, उसको बटन के क्लिक पे हम लोग इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार डेटा सोर्स एक बार देख लेते हैं कि डेटा सोर्स मेरा क्या है। तो सस्टेन स्प्लैश नाम का एक शीट बनाया हुआ है, उसमें ये कॉलम्स रख दिए हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया या क्वेश्चन हो जाएगा, आप क्वेश्चन रखना चाहते हैं क्वेश्चन रख लो। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऐसे करके चार कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, ये चार कॉलम्स में ऑप्शंस रहेंगे और करेक्ट आंसर का एक अलग कॉलम रहेगा जिसमें ये मैच करेगा, और ये करेक्ट आंसर इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें करेक्ट आंसर क्या है, H2O है, विच इज ऑप्शन 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अब कलर ऑफ वाटर इज कलरलेस, तो इसमें ऑप्शन 2। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी तरह से इसमें टेस्टलेस हो जाएगा और इसमें न्यूट्रल होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट इज 100। ओके, और आप कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप क्वेश्चन रखो, ठीक है, और बाकी सारे कॉलम्स में, चार कॉलम्स में आप ऑप्शंस रखो, और फिफ्थ कॉलम में, और आई मीन नेक्स्ट कॉलम में करेक्ट आंसर रखो। ठीक है, और बाकी ये सब चीज़ की ज़रूरत एक्चुअली है नहीं, तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं, क्वेश्चंस, ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना रखते हैं अभी। ओके, तो फिर जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि डेटा सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है, तो हम सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, मैंने एक ओके एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, वेर ऐप को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको हम कहेंगे कि अपडेट क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस ऑन बटन क्लिक। ठीक है, तो ये फुल प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसमें बस हम आपको बताएंगे कि स्क्रीन में क्वेश्चंस कैसे चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। ठीक है, तो ये आप कैटेगरी चूज कर लेना और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा है वैसे रहने देना। आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना होगा तो उसमें आपको ये फीचर ऐड करनी है। ठीक है, ओके। अब जैसे हमारा क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन के स्क्रीन में रहता है, तो स्क्रीन को हम नाम चेंज कर देंगे इसका, स्क्रीन क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें हम लेबल डाल देंगे। यहाँ लेबल में क्या आएगा, आपका क्वेश्चन अपीयर होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो लेबल में ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली मेरा डेटा सोर्स से आएगा और बटन के क्लिक पे वो चेंज होगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा हम एक बटन रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इनिशियली हम एक बटन रखते हैं, ठीक है, जिससे सिर्फ हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करेंगे, अभी ऑप्शन के बारे में भूल जाइए। ठीक है, अभी इनिशियली जस्ट स्टेप वन में सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करेंगे। ठीक है, तो जस्ट फॉर क्लैरिटी यहाँ पे एक और लेबल, नहीं छोड़ दो, कन्फ्यूजन होगा, तो जस्ट रिमेम्बर कि ये लेबल जो है इसमें हम क्वेश्चन अपीयर कराएंगे, तो इसको हम सही नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं, लेबल क्वेश्चन। ठीक है, बस क्वेश्चन अपीयर होगा और इस बटन से बस हम क्वेश्चन चेंज कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बस। ठीक है, अभी के लिए ऑप्शंस वगैरह नहीं रखते हैं, सिर्फ ये बटन क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा। ठीक है, वो देखते हैं कि क्वेश्चन चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में हम अपना ऑप्शन पे इसको वायर कर देंगे, तो चार ऑप्शंस देंगे, चार ऑप्शन से क्वेश्चन और ऑप्शन सारे चेंज हो गए। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी ये स्टेप वन में पहले देखते हैं कि एक ही स्क्रीन पे ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन जो है वो चेंज कैसे होंगे। ठीक है, इसको भी सही नाम हम दे देते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ओके, छोटा कर सकते हैं इसको. ओके, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन अपीयर होगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. ठीक है, सिंपल सा स्क्रीन है. ओके, अब सेकंड हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो डेटा सोर्स मेरा कनेक्टेड पहले मैंने किया हुआ है, पर हम फिर से स्टार्ट करते हैं. अगर न्यू क्रिएट करते हैं तो गूगल शीट आएगा. गूगल शीट में हम कर देते हैं सेलेक्ट अ शीट कर देते हैं, और यहाँ से स्प्रेडशीट को अपना सेलेक्ट कर लेंगे. जो अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ होगा, थंकेबल ऐप में जो भी अकाउंट से लॉगिन किया होगा, ये उसी अकाउंट का, उसी गूगल अकाउंट का शीट दिखाएगा. ठीक है, अगर आपका गूगल अकाउंट अलग है और थंकेबल ऐप में लॉगिन अलग है तो आई थिंक उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है, तो कोशिश करें कि जो आपका ऐप, जो ईमेल से आपने लॉगिन किया है थंकेबल में, उसी ईमेल का आप, उसी ईमेल के गूगल गूगल ऐप में आप स्प्रेडशीट क्रिएट करो. ठीक है, तो अभी हम इसको चूज करके सेलेक्ट कर लेते हैं और सस्टेन स्प्लैश ऑप्शंस दे देते हैं इसको. ठीक है, सो फर्स्ट रो में मेरा हेडर्स है और सेकंड रो से डेटा है. ठीक है, दिस इज ओके, विल जस्ट क्लिक क्रिएट. ठीक है, ओके, मे बी सम इंटरनेट इश्यू, लेट मी जस्ट ट्राई टू रिफ्रेश, और इसको भी रिफ्रेश करते हैं. तो वापस से हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं. तो प्रोजेक्ट सेव नहीं हुआ है फॉर सम रीजन, सो आई विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, तो हम फिर से नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई बात नहीं. कुछ प्रोजेक्ट्स को हम डिलीट कर देते हैं जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है. जस्ट डिलीट दिस प्रोजेक्ट. ओके, तो एक हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर से. क्वेश्चन ऑप्शंस देखो. ठीक है, और कैटेगरी एजुकेशन चूज और क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो स्क्रीन वन में जल्दी से हम फिर से लेबल ले आते हैं और जल्दी से एक बटन ले आते हैं. इस लेबल का हम नाम चेंज कर देते हैं, लेबल वन की जगह हम कर देते हैं लेबल क्वेश्चन, और बटन का नाम चेंज करके हम इसमें कर देते हैं बटन नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, हो गया. अब इसको एम्प्टी कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये लेबल का भी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा नीचे कर दें. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग डेटा कनेक्शन. सो वील जस्ट कनेक्ट अ डेटा सोर्स, एक नया बनाते हैं, गूगल शीट लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट अ शीट करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे सस्टेन स्प्लैश का शीट ले लेते हैं. दिस इज ऑल ओके, सस्टेन स्प्लैश क्वेश्चन डेमो कर देते हैं. ठीक है, क्रिएट कर देते हैं. ओके, डेटा कनेक्शन मेरा हो गया. अब वापस से हम डिज़ाइनर पे आते हैं. अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा ये बटन है. ठीक है, अब पहले, सबसे पहले जब ये स्क्रीन लोड होगा, ठीक है, तो हमको कुछ क्वेश्चन दिखाना है, और बटन पे तो कुछ नहीं करना है अभी के लिए. अभी के लिए सिंपल रखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन अपीयर कराना है. और क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये अपीयर होना चाहिए. तो जैसे ही मेरा ये स्क्रीन लोड होगा, जब स्क्रीन आपके फ़ोन पे आएगा या प्रीव्यू पे आएगा, तो फर्स्ट थिंग क्या दिखाना चाहिए इस लेवल में, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना चाहिए. ठीक है,
तो उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए आपको कोई डायरेक्ट यहाँ पे आप डिज़ाइन से नहीं कर सकते, आपको उसमें ब्लॉक्स में लॉजिक लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? तो आप ब्लॉक्स में आएंगे, तो जहाँ पे हम बैकएंड का कनेक्शन करते हैं और सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाते हैं, वहाँ से आपको जिस करना पड़ेगा, ठीक है? और जो भी आप स्क्रीन में जो भी आप कंपोनेंट्स डाल रहे हैं, उन सब कंपोनेंट्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब बटन मेरा सॉरी जब स्क्रीन जब मेरा लोड होगा तब हम क्या करेंगे? तो कंट्रोल में देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, तो स्क्रीन में हम आते हैं, ठीक है? तो स्क्रीन पे जब हम क्लिक करेंगे, स्क्रीन का हम नाम चेंज कर देते हैं, स्क्रीन क्वेश्चन, ठीक है? ओके, अब ब्लॉक पे आते हैं। तो जब स्क्रीन क्वेश्चन जब लोड होगा, तो व्हेन द स्क्रीन क्वेश्चन ओपन, सी व्हेन स्क्रीन क्वेश्चन ओपन्स डू ब्लैंक डू समथिंग, ठीक है? तो इसको हम ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है? तो जब मेरा स्क्रीन ओपन होगा तब हमको क्या करना है, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमको लोड करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मेरा क्वेश्चन का नंबर रहे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन के नंबर है, तो वो हमको वेरिएबल से पता चलेगा, ठीक है? तो वेरिएबल को हम इंक्रीज करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 5 एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसके लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, तो हम वेरिएबल पे क्लिक कर लेंगे और हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है? तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं और ड्रॉप कर लेते हैं, ओके? इनिशियलाइज द ऐप वेरिएबल नेम, तो इसको हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर इज द वेरिएबल, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू 1 से, तो वैल्यू जो है यहाँ से आपको मैथ से मिल जाएगा, अगर टेक्स्ट वैल्यू होता तो हम टेक्स्ट से लेते, ठीक है? पर हमको एज अ न्यूमरिक वैल्यू चाहिए तो हम लोग मैथ से लेंगे, ठीक है? अभी डिफॉल्ट इसमें 0 है, इसको हम चेंज करके 1 कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको पहला क्वेश्चन चाहिए, 0 क्वेश्चन है नहीं इस पे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन को पहला नंबर से रहता है, ओके? तो हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, ठीक है? अब हमको क्या करना है, तो व्हेन द स्क्रीन ओपन्स देन व्हाट वी नीड टू डू इज, ये जो क्वेश्चन का लेबल है, ठीक है, सेट द लेबल क्वेश्चन टेक्स्ट टू समथिंग, ठीक है? तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर ले, तो लेबल क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है, अब लेबल क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं कि लेबल क्वेश्चन है क्या। जैसे लेबल क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है? अब इसमें ये टेक्स्ट है, इसका फॉन्ट है, कलर है, ठीक है? इसके अलावा इसका पोजिशनिंग है, फिर इसमें विजिबिलिटी है, विजिबल या नॉन विजिबल, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? बट अभी के लिए मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, इसका सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को हम लोग को मैनिपुलेट करना है बेस्ड ऑन द क्लिक ऑफ द बटन, ठीक है? तो इसीलिए सिर्फ हम सेट द लेबल क्वेश्चन टेक्स्ट सिर्फ ले रहे हैं, पर आप यहाँ से चेंज करके फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। जैसे इसका विजिबिलिटी आप ऑफ कर दो तो ये बटन विजिबल नहीं होगा, या फिर लेबल डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे सिर्फ टेक्स्ट इसका चेंज करना है, सेट दैट लेबल क्वेश्चन टेक्स्ट टू समथिंग। अब ये टेक्स्ट कहाँ से आएगा, तो टेक्स्ट के लिए हमें डेटा सोर्स चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, फॉर्मूला ऑफ वाटर फर्स्ट व्हेन इट स्टार्ट्स, ठीक है? जब स्क्रीन लोड होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे वहां पर डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो इसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? और क्योंकि हमने डेटा सोर्स कनेक्ट कर दिया है तो वो डेटा सोर्स मुझे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? और इसमें डेटा सोर्स में आप यहाँ पे एक पजल देख रहे हो कि गेट वैल्यू फ्रॉम सस्टेन स्प्लैश क्वेश्चन डेमो, जो हमने कनेक्शन बनाया था, डेटा कनेक्शन बनाया था, ये उसी का नाम है। अगर आप डिज़ाइन में वापस से आके यहाँ पे डेटा कनेक्शन में देखोगे तो सस्टेन स्प्लैश क्वेश्चन डेमो करके आपका कनेक्शन है। तो वापस ब्लॉक्स में आके यहाँ पे डेटा सोर्स में हम चेक करेंगे, तो गेट वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, और इस कनेक्शन का शीट 1, तो चूंकि यहाँ पे शीट 1 में मेरा इन्फॉर्मेशन, अगर शीट 3 में होता तो शीट 3 आता, ठीक है? बट यहाँ पे शीट 1 से इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, तो इसका शीट 1 भी है और यहाँ पे डेटा सोर्स का शीट 1 में से हम इन्फॉर्मेशन, आपको कॉलम का नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है? तो आप इसको ड्रैग करके, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। सो डेटा सोर्स, और इसको आप ड्रैग करके
ये लेबल की जगह आप पेस्ट कर लो, ठीक है। और इसका जो रो आईडी है, वो रो आईडी कहाँ से पता चलेगा? मेरा जो वेरिएबल है क्वेश्चन नंबर, वो उसका रो आईडी बताएगा, ठीक है। रो आईडी क्या होगा? जैसे जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ सेकेंड रो, तो इसका रो आईडी 1 हो जाएगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। आपके और क्वेश्चन रहेंगे तो रो आईडी वैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट इज़ वॉट रो आईडी इज़। और उसी तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर भी हमने इंक्रीज़ किया हुआ है 1 से, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, ठीक है। चलो, तो जैसे ही स्क्रीन लोड होगा, तो आप व्हेन द स्क्रीन ओपन सेट द लेबल क्वेश्चन टेक्स्ट टू, क्या वैल्यू आएगी? ये कहाँ से वैल्यू लेगा? ये कनेक्शन से, उसमें शीट 1 से, और उसमें इन्फॉर्मेशन लेगा। तो हमारा कॉलम का नाम इन्फॉर्मेशन, अगर यह कॉलम का नाम क्वेश्चन होता तो वो क्वेश्चन हमको डालना पड़ता है यहाँ पे चेंज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, सारे कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, पर हमको कौन सा कॉलम दिखाना है? इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और रो आईडी कैसे पता चलेगी? इस वेरिएबल से। अब इस वेरिएबल का पजल हम कहाँ से लेंगे? तो आप वेरिएबल्स में क्लिक करोगे तो आप ऐप वेरिएबल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप, अगर आपके पास और भी क्वेश्चन और भी वेरिएबल्स होते तो वो सब यहाँ पे डिस्प्ले करता। अभी हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसका पजल हम उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही स्क्रीन मेरा लोड होगा, तो आपका वेरिएबल इनिशियलाइज होगा जिसका वैल्यू 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर, और फिर ये सेट लेबल जो लेबल क्वेश्चन है उसका टेक्स्ट को वो डेटा सोर्स का शीट 1 का इंफॉर्मेशन कॉलम में से लेकर के आएगा, और कौन सा रो को लेके आएगा? जो रो का वैल्यू मेरा डिनोट कर रहा है क्वेश्चन नंबर वेरिएबल, विच इज 1, ठीक है। यानी फर्स्ट रो लेके आएगा, यानी इस रो को लेके आएगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं, तो हम लोग प्रीव्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा फॉर्मूला ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। इसका कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका टेक्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अपियर हो गया, ठीक है। अभी हम वापस से इसको क्लोज करते हैं, और डिजाइन में इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बटन का नाम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब अपियर कर ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा अपियर होगा, ठीक है। जब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन चेंज होगा मेरा, ठीक है। अभी हमने उसकी वायरिंग नहीं की है, बटन क्लिक पे एक्शन कुछ नहीं डाला है, ठीक है, तो इसलिए अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको हमको वायर करना होगा, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब फिर से आप ब्लॉक्स में आएंगे और यहाँ पे आप उस बटन को एक्सेस करेंगे, बटन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हेन द बटन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिक्ड, ठीक है, तब हम कुछ करेंगे, डू समथिंग विच इज चेंज द वेरिएबल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 + 1, ठीक है, तो वो हम करेंगे। तो इसलिए हम इसको ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। और अब डू समथिंग में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर क्लिक, ठीक है, क्लिक, ये सब ठीक है। तो हम जो मेरा वेरिएबल है इस पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज द ऐप वेरिएबल क्वेश्चन नंबर by 1, ठीक है, तो आपको इंक्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इस पजल का जो जो ब्लैंक स्पेस है वो इससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे और इसमें ड्रॉप, ठीक है। अब ऐप वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर जो है वो इंक्रीज होएगा by 1, ठीक है, ओके। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम प्ले करेंगे, अभी भी हम अगर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मेरा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो वैल्यू है इस वेरिएबल की वो चेंज हो रही है, by 1 इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। बट अब वैल्यू इंक्रीज करने के बाद हमको फिर से इस टेक्स्ट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं, ये पूरा चीज़ यहाँ जो भी इसके साथ कनेक्टेड है वो सारा कॉपी हो जाएगा। तो हम इस ग्रीन वाले को, विच इज सेट द लेबल क्वेश्चन टेक्स्ट टू, आई विल गेट इट फ्रॉम द शीट 1 इंफॉर्मेशन, और रो आईडी मेरी चेंज हो चुकी होगी क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रो आईडी, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे,
ठीक है। अब देख, आप इसको एक बार पढ़ के देखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, जब बटन पे क्लिक होगा, बटन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब क्लिक होगा तो फिर क्या होगा, ऐप वेरिएबल जो है क्वेश्चन नंबर, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा बाय वन से। ठीक है, और साथ साथ जो लेबल क्वेश्चन है, ठीक है, जो लेबल क्वेश्चन का टेक्स्ट है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी कहाँ से, सस्टेन जो हमारा स्प्लैश जो डेटा सोर्स से कनेक्शन बनाया था उसमें शीट वन में इंफॉर्मेशन जो है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन रखा हुआ है, उस वो वहाँ से आ जाएगा। और रो आईडी कौन सी होगी, जो वेरिएबल हम इंक्रीज करा रहे हैं, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू हमने इंक्रीज करा दी तो वन से ये टू हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आएगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कलर ऑफ वाटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिएक्टिविटी आ गया। तो ये सीक्वेंस में आएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ओके, तो होपफुली अभी तक जो हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि हमने क्वेश्चंस तो पॉपुलेट करा लिए, अब हमारे पास आंसर्स चाहिए। ठीक है, और आंसर्स भी हम पॉपुलेट कराएंगे। ठीक है, तो हम प्रीव्यू मोड से ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डिज़ाइन में कुछ बटन्स और ले आते हैं, इस बटन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम चार बटन्स ले आएंगे। ठीक है, और बटन का लेबल हम चेंज कर देंगे, बटन ऑप्शन ऑप्शन वन, और इसका स्पेस, ये टेक्स्ट जो है हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि टेक्स्ट जो है मुझे यहाँ से चाहिए, ये सारे ऑप्शंस चाहिए मुझे। ठीक है, जो कि चेंज होगा ये सारे ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है। तो ऑप्शन वन इज़ ओके, इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, फिर कंट्रोल वी करते रहना दो तीन बार, एक बार और। तो मेरे पास चार ऑप्शन आ गए। ठीक है, इसका आपका बटन ऑप्शन वन है, ये बटन ऑप्शन टू है, ये बटन ऑप्शन थ्री है, बटन ऑप्शन फोर है, विच इज़ फाइन। ठीक है, ओके, अब इस ऑप्शंस को हमको पॉपुलेट कराना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे पॉपुलेट कराया था। तो क्वेश्चन को क्या किया था, जब जब मेरा स्क्रीन जब लोड हो रहा है तो क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है उसको हमने चेंज करा था डेटा सोर्स से इंफॉर्मेशन के कॉलम से। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से हमने जब बटन के क्लिक पे भी इसको ऑप्शन को, सॉरी क्वेश्चन को चेंज कराया था, उसी तरह से हम ऑप्शन को भी चेंज कराएंगे, बस उतना ही करना है आपको। ठीक है, अब बटन ऑप्शन का जो टेक्स्ट है इनिशियली, तो बटन ऑप्शन वन के टेक्स्ट को हम सेट कराएंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना, बटन ऑप्शन वन टेक्स्ट टू, इस चीज़ को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डेटा सोर्स से भी ले सकते हो। ठीक है, आप डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेम मिल जाएगा, इसको आप ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना। ठीक है, होपफुली इसको फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन के लिए बताया है, सेम चीज़ है। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं हम लोग। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो बटन का ऑप्शन है, इसका टेक्स्ट आप एक बार फिर से पूरा पढ़ लेना, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि अभी देखो हमारा कॉपी यहाँ पे अभी भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, बट क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाना है, हमको ऑप्शन दिखाना है, और फर्स्ट बटन में, बटन ऑप्शन वन में ऑप्शन वन दिखाना है हमको। ठीक है, जब भी स्क्रीन लोड होगा तो ऑप्शन वन जो है, और डिपेंडिंग ऑन द आईडी, अब आईडी आप यहाँ से भी ले सकते हो और ये वेरिएबल आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो चेंज तो नहीं करना है अभी, अभी हमको बस वो वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ से ड्रैग करके आप ड्रॉप कर लेना। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको बाकी तीनों बटन्स के लिए भी करना है। ठीक है, अभी एक बार आप प्ले करके देख लो इसको, जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो ऑप्शन वन का जो वैल्यू है वो करेक्ट आ गया, बाकी तीनों ऑप्शन का वैल्यू नहीं आया क्योंकि हमने वो सेट नहीं किया। तो अभी उसके लिए क्या करना है आपको, बस ये इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो इसका सारा जो सेट है एक साथ इसके आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बटन ऑप्शन टू का टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे बटन ऑप्शन टू से, ऑप्शन टू से। ठीक है,
ये तो सबके लिए सेम रहेगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से इसको पेस्ट करते जाना। ये बटन ऑप्शन 3 के लिए हो जाएगा। टेक्स्ट गेट वैल्यू दिस इंफॉर्मेशन, नहीं हमको ऑप्शन 3 चाहिए। बटन ऑप्शन 3 में ऑप्शन 3 चाहिए। लास्ट वन यहाँ पे टेक्स्ट 2, बटन ऑप्शन 4, 2 ऑप्शन 4। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं। तो जैसे आप लोड करोगे स्क्रीन को, तो आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर ऑफ वाटर आपका चेंज हो गया। ठीक है, बट ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने कलर ऑफ वाटर ये जो लेबल को सेट किया था, वेरिएबल इंक्रीज करके फिर लेबल को सेट किया था, उसी तरह से हमको ये बटन पे भी एक्शंस इसका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम प्रीव्यू मोड से ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो बटन क्लिक पे हमने लॉजिक नहीं डाला, बस पेज लोड पे हमने लॉजिक डाला है ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से बटन क्लिक पे भी हमको थोड़ा लॉजिक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज तो हो ही रहा है। ठीक है, और जैसे वेरिएबल आपका चेंज होगा, साथ में हमने लेबल टेक्स्ट को बटन क्लिक पे लेबल का टेक्स्ट को हमने चेंज कर दिया है विद द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम चेंज कर देते हैं, लेबल क्वेश्चन नहीं चाहिए हमको, ऑप्शन 1 का टेक्स्ट जो है वो हमको ऑप्शन 1 से चाहिए। टू को चेंज करके बटन ऑप्शन 2 को चेंज कर दे ऑप्शन 2 से। ठीक है, ऑप्शन 3 को चेंज कर दीजिए 3 से, और 4 को चेंज कर दीजिए 4 से। ठीक है, अब आपका जो बटन है सही काम करेगा। ठीक है, तो मेरा जो है ऑप्शंस लोड हो गया ऑन द स्क्रीन लोड पे। तो जैसे ही मेरा स्क्रीन लोड हुआ, इसने ऑप्शन और ये क्वेश्चन को लोड कर दिया। वो कहाँ से किया? वो फर्स्ट वाले फंक्शन से किया। ठीक है, जो कि है व्हेन द स्क्रीन क्वेश्चन व्हिच इज द फर्स्ट स्क्रीन व्हेन दैट ओपन्स। ठीक है, तो जब वो ओपन होगा तो ये 5 काम करेगा। वो पहले तो लेबल को टेक्स्ट को लेबल को जो क्वेश्चन लेबल है उसको सेट करेगा, फिर सारे ऑप्शंस को एक एक करके सेट करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन था, सॉरी फर्स्ट फंक्शन था। उसके बाद फिर जब बटन क्लिक होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बटन जब मेरा क्लिक होगा तो क्या सेट होगा? पहले तो क्वेश्चन सेट होगा, फिर सबसे पहले तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा, 1 से 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन सेट होगा, फिर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सारे सेट होगा। ठीक है, अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है, तो ये लोड हो गया। आपका फ़ोन में ये इतना स्लो नहीं होगा, ये एक्चुअली सिमुलेशन है इसलिए ये थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है, ऑप्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको अपने ऐप में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम लॉजिक आपको अपने ऐप में बनाना है। ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस जो है सेम स्क्रीन, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास बस एक ही स्क्रीन है, मुझे सारे स्क्रीन को सारे क्वेश्चंस के लिए अलग अलग स्क्रीन नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है मेरे पास, तो 5 क्वेश्चन के लिए मुझे पांच पांच स्क्रीन नहीं बनाना पड़ा, मुझे एक ही स्क्रीन से इस तरह से काम हो गया। ठीक है, तो ये था कैसे ऑप्शन आप चेंज करेंगे, क्वेश्चन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इसके आगे का पार्ट हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।